नमस्कार, आप देख रहे हैं मूक्स चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल हूं। और आज की मैं आप लोग जानकारी लेकर हाजिर हुई हूं। जी हां, वैसे तो आप बहुत सारी मालाओं का जप करते होंगे, लेकिन आज मैं तुलसी की माला जपने का नियम और तुलसी की माला क्यों जपी जाती है, क्या है इसके नियम कानून, इन सभी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और क्या लाभ मिलता है तुलसी की माला जपने का, ये सभी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। साथ ही वो भी बताऊँगी कि किस तरीके से तुलसी की माला जपते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि सुख समृद्धि धन लाभ ये सब हमें मिले। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में देवी देवताओं के मंत्र जाप के लिए अलग अलग मालाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। शास्त्रों में इस माला के बहुत सारे लाभ और महत्व के बारे में बताया गया है। तो वहीं तुलसी की माला धारण करने के कई सारे नियम भी बताए गए हैं। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी की माला से जप करने से क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि तुलसी की माला से जाप करने से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके मंत्रों का जाप तुलसी की माला से किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो वहीं तुलसी की माला को धारण भी किया जाता है। हिंदू धर्म में देवताओं की अलग अलग माला के अलग अलग महत्व होते हैं। इन्हें धारण करने और जाप के भी अलग अलग नियम होते हैं। अगर इन नियमों के साथ ही मालाओं का इस्तेमाल किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल मिलता है। कहते हैं कि तुलसी की माला पहनने और जपने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ व्यक्ति को धन लाभ भी होता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में इसके क्या नियम बताए गए हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला को धारण करने से व्यक्ति को शांति मिलती है। इसे धारण करने से व्यक्ति की आत्मा भी पवित्र हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की माला धारण करने से कुंडली में बुध और गुरु ग्रह की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। तो वहीं तुलसी की माला धारण करने से पहले इसे गंगा जल से शुद्ध करके ही पहनने। कहते हैं कि तुलसी की माला भगवान विष्णु की प्रिय है, ऐसे में इसे धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती रहती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की माला धारण करने के बाद व्यक्ति को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसे धारण करने वालों को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इसे धारण करने के बाद दोबारा उतारना भी नहीं चाहिए। अब बात की जाए तुलसी की माला के जाप के क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप तुलसी की माला धारण कर रहे हैं तो जाप की माला को अलग रखें, एक ही माला से दोनों काम बिल्कुल ना करें। जिस तुलसी की माला से जाप किया जाता है उसे कभी भी धारण नहीं करें। शास्त्रों के अनुसार माला जपने के बाद इसे किसी साफ कपड़े से ही ढक कर रखें। तुलसी की माला में भी 108 मन के होने चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की हमारी खास वीडियो में आपको तुलसी की माला जपने से जुड़े सभी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिल गई होगी, और अब तक जो आप भूल करते आ रहे थे अब आप उससे ज़रूर बचेंगे। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।